मनुष्य को गधे से सीखना चाहिए तीन बातें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गधे की तीन सीख। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य का बचपन का नाम कौटिल्य था या विष्णुगुप्त है। इनके पिता का नाम श्री चणक था, इसी कारण श्री जनक के पुत्र होने के कारण उसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त चाणक्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान थे। अखंड भारत निर्माण हेतु सृजनात्मक कार्यों के करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। यदि आचार्य चाणक्य के बारे में कहा जाए तो चंद से वैश्य, कर्मों के सच्चे ब्राह्मण, उत्पत्ति से क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु और अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। चाणक्य के बारे में राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चमत्कारिक विद्वता से भरे हुए हैं। इनकी विलक्षण विद्वता सूर्य के प्रकाश की भांति आलोकित करेगी। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजापालक बनाया। आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र की राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि क्षेत्रों में काफी योगदान दिए। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां हैं, किंतु कौन सा सच है इसके विषय में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री एवं गुरु एवं संस्थापक थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चाणक्य मौर्य वंश के राजनीतिक गुरु हैं। आचार्य चाणक्य की कूटनीति आज के समय भी बिल्कुल सटीक बैठती है। लोग उनके बताए हुए नीति को आज के समय भी देखते हैं। अश्विनी पाराशर की बुक चाणक्य नीति के मुताबिक छठे अध्याय में चाणक्य बताए हैं कि मनुष्य को गधे से भी तीन गुण सीखना चाहिए। यदि इन गुणों को सीख लेते हैं तो अपने जीवन में उतार चढ़ाव आसानी से झेल सकेंगे। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे तथा सफलता आपके कदम चूमेगी। तो नंबर वन, आलस्य का त्याग करें। आचार्य चाणक्य के मुताबिक मनुष्य को गधे से पहले सीख लेना चाहिए कि वह आलस्य को त्याग दे। जिस प्रकार गधा बिना रुके हुए, बिना थके बोझा ढोकर चलते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी आलस्य का त्याग करना चाहिए, तभी जाकर जीवन में सफलता मिल पाएगी। अर्थात आलस्य को त्याग कर मनुष्य को कर्म यानी कि मेहनत करनी चाहिए। नंबर दो, बदलते मौसम में कभी ना डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक गधा हर मौसम में हर परिस्थिति में अपना काम कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी मौसमी सर्दी गर्मी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मौसमी परिस्थिति से घबरा जाए तो वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है और फिर वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को बदलते मौसम में भी अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए। नंबर तीन, संतोष के साथ आगे बढ़ना। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार एक गधा हमेशा संतुष्ट रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी संतुष्ट रहना चाहिए। आज के समय में लोगों में संतुष्टि की कमी है, जिसके कारण वह और भी दुखी होते जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति तो अमीर बनना चाहता है, किंतु अमीर व्यक्ति की बात करें तो वह और भी पैसा कमाना चाहता है और इस होड़ में वह अपने खुद के परिवार को ही भूल जाता है। यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, इससे परम आनंद मिल सकता है। यह जानकारी अश्विनी पाराशर की बुक चाणक्य नीति के आधार पर दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता के महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी प्रयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, लोगों को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।